बागली में भगवान बिरसा मुंडा जयंती और जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जनजाति विकास मंच द्वारा नगर के चापड़ा से उदयनगर तक विशाल समरसता रैली निकाली गई। रैली में बागली क्षेत्र के युवा हाथों में भगवा ध्वज लेकर शामिल हुए। रैली में विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे भी शामिल थे। बिरसा मुंडे की जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र रही। रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। मंच के द्वारा जो यहाँ पर आयोजन किया गया है, वाहन रैली निकाली गई है, तो क्या उद्देश्य है उसका? क्या आज जनजाति विकास मंच जिला देवास के माध्यम से चापड़ा से उदयनगर तक वाहन रैली का आयोजन किया गया है। वाहन रैली 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में जो वाहन रैली निकाली जा रही है, वो यह आज जो कार्यक्रम है वो जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। चापड़ा से उदयनगर तक की जो वाहन रैली थी उसमें सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन के बारे में जो प्रकाश डाला है उसमें सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। क्या उद्देश्य क्या है इसका? जनजाति विकास मंच का उद्देश्य यह है कि समाज में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही वामपंथी और ईसाई संगठनों द्वारा, उस भ्रांतियों को दूर करके हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो काम किया है, उनका जो जीवन चरित्र पढ़ने पर हमको पता चलता है कि संपूर्ण जनजाति समाज हिंदू धर्म का ही एक अंग है और इसको भ्रमित करने के लिए जो बिरसा मुंडा जी हैं उनको एक जाति तक ही सीमित रखा है और जाति तक सीमित रख कर अन्य समाज में उसको ऐसा कर दिया है कि वो अन्य समाज मना ही नहीं सकता। तो सामाजिक समरसता के हिसाब से हम जनजाति विकास मंच के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं और हर वर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।